आप लाइफ में पहली बार एक डेमो क्लास दे रहे हैं, तो क्या क्या चीजें होंगी या क्या चीजें ऐसी हैं जो ध्यान रखने वाली हैं? ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है? आपके पास वो एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है, आपके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, या आपके घर में पढ़े लिखे तो है बट वो दूसरे फील्ड के लोग हैं, वो आपको नहीं बता सकते कि आपको इस तरह से ब्लैक बोर्ड पे जाना है, इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना, कोई ऐसा नहीं है और आप पहली बार हैं, तो ये वीडियो 100% आपकी मदद करेगा। अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। डेमो क्लास क्या होती है? ये ऐसी चीज़ है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि डेमो क्लास क्या होती है, और दूसरी बात कि डेमो क्लास होगी कहाँ पे, कि आपका जहाँ पर भी आपके आसपास कोई कॉलेज होगा या स्कूल होगा वहाँ पे आपकी डेमो क्लास होगी और आपकी पहली बार होगी। तो अब मैं सीधा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आ जाता हूँ, और ये आपका ब्लैक बोर्ड आ गया है जहाँ पे आपका डेमो क्लास चल रही है, जहाँ पे आपकी डेमो क्लास होनी है, ये आपका ब्लैक बोर्ड है। अब इस ब्लैक बोर्ड पे चार एंगल हैं, यानी कि कॉर्नर हैं। अब मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ कि कॉर्नर नंबर 1 पे लिखा हुआ है वाई, यानी कि आप ये डेमो क्लास क्यों लेना चाहते हैं, क्यों, ऐसा क्या है कि आप ये डेमो क्लास में आए हैं, या आप डेमो क्लास में जाने वाले हैं, या 2 दिन बाद या 10 दिन बाद आपकी अमुक अमुक कॉलेज या स्कूल में या किसी कोचिंग में आपकी डेमो क्लास होने वाली है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको तसल्ली के साथ बार बार अपने आप से पूछना है कि क्यों, ऐसा क्या ज़रूरत है, क्यों मैं डेमो क्लास में जा रहा हूँ, क्यों मैं डेमो क्लास में जा रहा हूँ, बार बार रिपीट एंड रिपीट आपसे ये सवाल करना है। और ये सवाल जितनी बार आपके माइंड में आएगा, उतनी ही आपकी जो ताकत है वो बढ़ती जाएगी, यानी कि आपकी सब जो सक्सेस रेट है वो बढ़ेगी। पे यहाँ पे आ जाएं, नंबर 2 पे आप देखेंगे कि आप यहाँ पे डेमो क्लास के लिए आ गए ये मानते हुए, बट क्या आप खुद ब खुद आए हैं यहाँ पे, कि ये आपका निर्णय है कि मुझे डेमो क्लास देने जाना है, या फिर आप किसी के कहने पर आए हैं? कहने पर मतलब आपके फादर, आपकी मदर, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउच, कोई भी आपको कह रहा है कि नहीं नहीं जैसे भी करके जैसे तैसे डेमो क्लास दो और अपनी गाड़ी को निकालो, ऐसा तो नहीं है कहीं? अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात है, बट हमारे पास क्लैरिटी होनी ज़रूरी है कि मैं यहाँ डेमो क्लास के लिए खुद ब खुद हूँ, या मैं किसी के कहने पर हूँ, या फिर मुझे पैसों की ज़रूरत है इसलिए हूँ। टू बी वेरी फ्रेंक, और डियर फ्रेंड, ये किसी को बताना नहीं है आपको, ऐसा नहीं है कि आप किसी के सामने ये एक्सपोज करें, ये खुद के खुद से सवाल हैं। कुछ बच्चे कहते हैं, कुछ बच्चों के साथ होता है, जिसका मैं भी एक एग्जांपल हूँ, कि साहब एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, यानी कि एक टीचिंग का एक्सपीरियंस हो जाएगा और जो आगे जाके मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस मुझे चाहिए, जो रियल लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो हमें चाहिए। ये 4 रीज़न है कि खुद ब खुद, किसी के कहने पे, पैसे की ज़रूरत, या एक्सपीरियंस की ज़रूरत। ये मेजोरिटी में 4 रीज़न होते हैं। हो सकता है आपके पास कुछ और रीज़न हो, एक्स्ट्रा रीज़न हो, और एक्स्ट्रा रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा रीज़न है तो आप समझिएगा कि आप बहुत लंबी दूरी तक की यात्रा करने वाले हैं, यानी कि आप बहुत कुछ अच्छा अचीव करने वाले हैं। तो यहाँ से जब हम उतरे, ये आता है हमारा 3rd पॉइंट, कहते हैं कि टाइम ड्यूरेशन कितना है। टाइम ड्यूरेशन का मतलब है कि आज जो आप यहाँ डेमो देने आए हैं, इस डेमो के बाद आप यहाँ सक्सेस हो जाएंगे, इस टीचिंग में आप कितने साल तक रहेंगे? कुछ समय के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कुछ थोड़े से समय के लिए रहेंगे, या फिर पूरी ज़िंदगी इसी में रहेंगे? ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको थोड़े समय के लिए रहना है तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको ज़िंदगी भर रहना है तो और ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे अप टू सर्टेन पीरियड और पूरी ज़िंदगी। अब ये 3 बातें साफ हो गई। 3 बातें साफ होने के बाद एक 4th जो पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि व्हाट इनविजिबल यू विल गेट, यानी कि ऐसा क्या है इस डेमो क्लास के सक्सेस होने से, इस टीचिंग लाइन में आने के बाद,
जो सिर्फ आपको दिखाई देगा या आपको सुनाई देगा, किसी और को ना दिखाई देगा ना सुनाई देगा। यानी कि ऐसा है जो एक मिलने वाला है कि मैं स्टिचिंग में अगर सक्सेस हो गया तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, वो सिर्फ आपको पता है, किसी और को पता नहीं। किसी और को दिखाई भी नहीं देती, दे ही नहीं सकती, किसी को ये फील ही नहीं हो सकता, किसी को ये सुन भी नहीं सकता, या किसी के पास वो स्वाद ही नहीं है, या किसी के पास वो स्मेल ही नहीं है जो सिर्फ आपके पास है। ये चार फैक्टर जो हैं, यानी कि ये ब्लैक बोर्ड के जो चार एंगल जो होते हैं आप यहाँ देख रहे हैं, शायद इसीलिए होते हैं कि ये चार फैक्टर, यानी कि ये चार कोने अगर हमारे सुनिश्चित हैं तो समझो कि आपका डेमो भी सुनिश्चित है, यानी कि आपका डेमो सक्सेस होना भी सुनिश्चित है। हाँ, आप वास्तव में सीरियस हैं तो एक बार इस वीडियो को यहीं पे रोक के वापस से सुनिएगा, और वापस से जो सवाल जो यहाँ पे मैंने रखे हैं इन सवालों के आंसर ढूंढिएगा और तसल्ली से ढूंढिएगा। और जैसे ही आपको इन सवालों के आंसर मिल जाएंगे तो आपको ये डेमो के बाद सक्सेस भी 101% है, जितना मेरा अनुभव है, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस टेक्निक को फॉलो किया है। ये बेसिकली NLP की टेक्निक है, यानी कि NLP मतलब माइंड का जो साइंस है उसकी टेक्निक्स हैं जिसको हम शेयर करते हैं, जिसको हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। अब इसके बाद कि सर ये आपके जो चारों कोने हैं वो हमारे राइट चले गए हैं, और चारों कोने राइट हैं उसके बाद अब क्या करें, उसके बाद अगला जो पड़ाव आता है, इस अगले पड़ाव में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि सर पहली बार देने जा रहे हैं, डर लग रहा है, फियर है, घबराहट हो रही है। बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको डर लग रहा है किसी काम से, नए काम से, तो इसका मतलब है कि आपकी माइंड और बॉडी पूरी तरह से हेल्दी हैं, आपके माइंड और बॉडी में किसी प्रकार का कोई भी बीमारी नहीं है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। दूसरी बात कि अगर आपको डर लग रहा है, इसका मतलब है कि आप एक रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हैं, आप एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, इसीलिए आपको डर लगता है। अदरवाइज जो रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं उनको डर नहीं लगता, लोग सुसाइड भी करते हैं मगर डरते नहीं, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है फिर भी उनको डर नहीं लगता। और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर डर नहीं लगता, इसलिए डर लगना ज़रूरी है एक हद तक। इस डर का इलाज क्या है? इस डर के इलाज में दो मेथड हैं। एक मेथड का नाम है योर बेस्ट टीचर टेक्निक या योर बेस्ट टीचर मेथड। डियर फ्रेंड, आप याद करिए, आपने अब तक बहुत सारे टीचर्स को देखा है, बहुत सारे टीचर से आप पढ़े हैं, बट कुछ टीचर हैं जो आपकी ज़िंदगी में खास हैं, और उन कुछ टीचर में से एक टीचर ऐसे हैं उनका जो ब्लैकबोर्ड का जो तरीका है, जो पढ़ाने का जो तरीका है, वो आपको सबसे अच्छा लगता है, सबसे बेस्ट लगता है। याद आया? बिल्कुल। तो वो जो आपके टीचर हैं वो बेसिकली आपके मेंटोर हैं, यानी कि आपको यहाँ तक याद है। आपको सिर्फ तसल्ली से बैठ जाना है, शांति से। आप गांव में रहते हैं या खेत में रहते हैं तो एक खुली जगह में चले जाएं, बीहड़ में चले जाएं, खेत में चले जाएं, कहीं पर भी एक गार्डन में चले जाएं, खुली जगह जाके बैठ जाएं और आराम से कमर सीधी करके आलती पालती मार के बैठ जाएं या लेट जाएं, कैसे भी करें, आपकी माइंड और बॉडी बिल्कुल पीसफुल है। फिर आप सोचिए कि वो जो सर हैं या मैडम हैं वो किस तरह से हमको पढ़ाते थे। जब वो पढ़ाते थे तब वो ब्लैकबोर्ड पर डायग्राम किस तरह से बनाते थे, डायग्राम कितने सुंदर बनाते थे, कैसे बनाते थे। जब वो बोलते थे तो उनका वॉल्यूम क्या रहता था, उनका जो वॉल्यूम एक जैसा स्टेट रहता था या फिर वॉल्यूम इस तरह से चलता था, या फिर वो जब स्टूडेंट से बात करते थे तो किस तरह से सवाल पूछते थे, किस तरह से वो स्टूडेंट से आई कॉन्टेक्ट बनाते थे, किस प्रकार की जब वो सर या मैडम जब आ जाते थे क्लास में, जब वो लेक्चर स्टार्ट करते थे तो आपको क्या फीलिंग आती थी, क्या आपको सेंसेशन होता था, स्मेल जैसा फील होता था या कोई स्वाद जैसा फील होता था, क्या होता था, वो आप बैठे बैठे याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको सब याद हो जाएगी। ये एक मेथड है।
अगर आपके पास ऐसा नहीं है, हो सकता है आपके पास ऐसा नहीं हो, या फिर आप एक और मेथड है जो बहुत अच्छी मेथड है, इससे भी अच्छी है, या इसको हम उनके लिए काम लेते हैं जिनके पास ऐसी मेमोरी नहीं होती है। एक मेथड है कि इमेजरी मेथड है, मेथड है जिसको इमेजरी मेथड कहते हैं, यानी कि आपने इतने सारे टीचर्स को देखा है, इतने सारे लोगों को पढ़ाते देखा है, सुना है, तो आप को बैठ के सोचना है कि सब टीचर को छोड़िए बेस्ट टीचर कैसा होता है, यानी कि बेस्ट टीचर है वो किस तरह से, तो ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम बनाता है, किस तरह से एंटर करता है, किस तरह से ब्लैक बोर्ड पे खड़ा होता है, किस तरह से बोलता है, किस तरह से उनके हाथों के एक्शन होते हैं, किस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, किस तरह से उसका साउंड होता है, एक स्टेबल है या पिच कैसे होता है, वो सब तमाम चीज़ें आपको इमेजिन करनी है। और ये दोनों मेथड में से जिस किसी को भी आप फॉलो करें और इन दोनों मेथड को आप रिकॉल करें, बस दो तीन बार रिकॉल कर लें, एकदम एकांत जगह में बैठ के, शांत जगह बैठ के दो तीन बार, और जैसे आप रिकॉल करेंगे तो ये जो हमारा जो माइंड और बॉडी का जो आपस का कनेक्शन है वो आपके अंदर ऐसे समझिए कि स्पार्क पैदा हो जाएगा और वो चीज़ आपके माइंड में पूरी तरह से फिट होनी शुरू हो जाएगी और आपका जो फियर है वो उसी समय से गायब होना शुरू हो जाएगा। और जब आप ब्लैक बोर्ड पर खड़े होंगे तो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ टीचिंग कर पाएंगे। तो अब आप बोलेंगे सर चलिए ये बात हो गई, बट सर पढ़ाएंगे क्या, कंटेंट क्या होंगे? बिल्कुल, कंटेंट में मेरे NLP और मेरे अब तक के एक्सपीरियंस और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो व्यूज और सबको लेके, ध्यान से सुनिएगा कि कंटेंट आपको बहुत सिंपल सा कंटेंट रखना है। कंटेंट यानी कि टॉपिक, यानी कि उस टॉपिक में कितना पढ़ाऊं, कहां से शुरू करूं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जो बच्चे RPSC में रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर ले आए बट वो टॉपिक स्टार्ट नहीं कर पाए और टॉपिक स्टार्ट नहीं कर पाए तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बना और कॉन्फिडेंस नहीं बनने की वजह से बहुत अच्छे नंबर होने के बावजूद भी बच्चे बाहर हो गए, यानी कि फेल हो गए। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहली बात कि आपका जो कंटेंट का जो लेवल है, जो स्तर है, या कंटेंट क्या लें, यानी कि 11th और 12th की अच्छी सी बुक लें और आप पहले से डिसाइड करके जाएं, या फिर और जो यूनिट आपको बढ़िया सी आती है जिसके आप मास्टर हैं, वो चाहे बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जूलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कुछ भी हो, तो बढ़िया सी जो यूनिट आती है उस यूनिट को बहुत अच्छे से तैयार करें और जाके ब्लैक बोर्ड उसी यूनिट से शुरू करें जहाँ आपको फुल कॉन्फिडेंस है। यानी कि आपको कॉन्फिडेंस है मतलब आपको पढ़ाते पढ़ाते मज़ा आना चाहिए। जब आपको पढ़ाते पढ़ाते मज़ा आ रहा है तो बस हो गया काम, आपका कंटेंट आपको मिल गया। अब यहाँ पे आप एक बच्चे मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर 11 12th के बच्चे नहीं है, कॉलेज में तो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, तो वो तो अभी भी रीड करके आए हैं, वो तो अभी पढ़ के आए हैं, तो वो तो बिल्कुल नहीं समझेंगे। या फिर आप कह दें कि सब थर्ड ईयर के बच्चे हैं, वहाँ पर मेरा डेमो है, तो मैं कैसे दूँ? डियर फ्रेंड, डियर स्टूडेंट, प्लीज़ ध्यान से दें कि फर्स्ट ईयर के बच्चे को या सेकंड ईयर के बच्चे को या थर्ड ईयर के बच्चे को उतना ही आता है जितना आपको आता था फर्स्ट ईयर में, आपको आता था सेकंड ईयर में, आपको आता था थर्ड ईयर में। मत भूलो कि आप एक अच्छे स्टूडेंट में से हैं तो वो भी तो सेम ही स्टूडेंट हैं, वो भी तो सेम ही स्टूडेंट हैं। तो इसलिए इसका कहीं से भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी इलाज बता रहा हूँ, ये आपको यकीन नहीं होगा बट अगला इलाज बता रहा हूँ कि आप 11th 12th का ले लिया, 11th 12th के बाद अब आप स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट ऐसे करें, आपका जो टॉपिक है, मान लो आप पढ़ाने जा रहे हैं बॉटनी, तो आप बॉटनी वर्ड से शुरू करें कि बॉटनी शब्द कहाँ से बना, बॉटनी बोटेन से बना। आप हिस्ट्री है तो हिस्ट्री वर्ड से शुरू करें, आप फिजिक्स है तो फिजिक्स शब्द से शुरू करें, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री शब्द से शुरू करें, या फिर आपकी यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप ऑर्गेनिक से शुरू करें,
आपकी यूनिट है टैक्सोनॉमी तो आप टैक्सोन से शुरू करें, आपकी यूनिट है साइटोलॉजी तो आप साइटोलॉजी से शुरू करें, और आप देखिए कि किस तरह से आपका इंटरेस्ट बनेगा और किस तरह से आपको मज़ा आएगा। और आप यकीन नहीं होगा कि आपका जो डेमो तीन होने थे वो दो ही होंगे, यानी कि दो में आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, अगर दो होने थे तो एक में ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, अगर एक ही होना था और एक घंटे का था तो वो आधा घंटे में आपको कंफर्म कर जाएंगे कि सर आ जाइए आपका सिलेक्शन तय है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे आके बताते हैं। अब इसमें ध्यान रखना है, यहाँ पर सावधानी में तीन सावधानियाँ रखनी है। सावधानी नंबर एक, पहली सावधानी कि आप जब पढ़ा रहे हैं तो आप मनी मन ये माने कि मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ, सामने कोई बैठा ही नहीं है, सामने चाहे स्टूडेंट बैठे हों या आपके जो टीचर ही बैठे हों या कोई और लोग बैठे हों, बड़े लोग बैठे हों, आप मनी मन माने कि कोई नहीं बैठा है। अब इसके लिए क्या करें कि आप खेत में जाओ, सुनी जगह पर जाओ और रेत के टिब्बे पर बैठो या कहीं पर भी बैठो, और मनी मन आप इमेजिन करते हुए आप दो या तीन मिनट आप वहाँ जाके उसी टॉपिक को दो तीन दिन पहले पढ़ा दो। यानी कि आपको उनको नहीं पढ़ाना है, खुद को पढ़ाने का मतलब फिर समझ लें कि आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी लाइन आप बोल रहे हैं, जो भी शब्द, उसमें आप श्योर होने चाहिए, आपके पास पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने ये लाइन बोली है तो मतलब ये सच है, ये लाइन यानी कि ये बुक के अकॉर्डिंग यानी कि ये परफेक्ट लाइन है। ऐसा नहीं कि मैं लाइन बोल रहा हूँ तो कॉन्फिडेंस की और ये लाइन में सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं। आपको जो लाइन बोल रहे हैं आप टैक्सोनॉमी टैक्सोन की परिभाषा दे रहे हैं तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ, आप जिस किसी वर्ड की परिभाषा दे रहे हैं फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस दिस इज द राइट। अब फिर भी मान लो आपके सामने जो बोर्ड बैठा हो कह रहे दिस इज रॉन्ग, तो घबराइएगा नहीं, उस टाइम ये बोलिएगा कि सर जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मेरी मेमोरी में है, यही आंसर है, हो सकता है गलत हो सर, मैं इसको और एक बार दोबारा से पढ़ूंगा, दोबारा से समझने की कोशिश करूंगा, इतना ही आपको कहना है। ऐसा नहीं कहना कि यस मेरा ही सही है सर, आप क्या मजाक कर रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं, यस सर मेरी मेरा आंसर गलत हो सकता है, बट जितनी जानकारी मेरे जितनी मैंने पढ़ा है, और वहाँ आप बुक्स के नाम ले सकते हैं, इस बुक में मैंने पढ़ा था सर, इस बुक में पढ़ा था, जहाँ तक मेरी मेमोरी में है, क्योंकि बुक तो आपके पास है नहीं वहाँ पे। तो पहली गलती ये, यानी कि पहला जो प्रिकॉशन है ये है प्रिकॉशन नंबर टू, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बस बहुत शांति से इसका सोल्यूशन के लिए कि आप जब आप डेमो देने जाएँ तो उसके जस्ट बाद का कोई काम ना रखें, आप अपॉइंटमेंट ना रखें, उस दिन पूरा फ्री रखें आप, तो आप शांति से आप पढ़ा पाएंगे, पीसफुली आप वहाँ पे पढ़ाइए। और नंबर तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो बात है सैलरी की, कि कभी भी आप सैलरी को फिक्स ना करें, कभी भी ये ऐसा नहीं कहें कि मुझे इतना पैसा, आप एक ही बात कहिए, ये सिर्फ 6 महीने तक, शुरुआत के 6 महीने कभी भी सैलरी अपनी तरफ से डिक्लेयर ना करें कि 5,000 10,000 20,000 50,000 1,00,000, कभी भी नहीं करें। आप पहले सिर्फ इतना कहें कि सर मेरा काम देखिए आप, उसके बाद आपको जो जमता है वो दे दीजिए, उसके बाद जो आपको जमता है वो दे दीजिए, अब वो जितने भी दें आप एक्सेप्ट करिए, क्यों, क्योंकि आप वहाँ पे पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि ऊपर जो ये जो एस्पेक्ट है ना आपके पास, इन एस्पेक्ट को याद करिए कि आपका एस्पेक्ट कुछ और है, पैसे तो आप कहीं और भी जगह से कमा सकते थे, बट पैसे कमाने हैं भाई, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं कमाने, बट शुरुआत के 6 महीने, क्योंकि अभी आप नए हैं, और जैसे आप अनुभव हो जाएगा तो आप फिर आप 6 महीने बाद आप अपने पसंद की फीस मांगिए, पसंद के आप सैलरी लीजिए, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपको बहुत सारी अच्छी सैलरी मिले, बहुत अच्छा आप ज़िंदगी में सफल हों। हाँ, अगर इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, ये आपको लगता है कि मेरी कहीं हेल्प हो सकती है तो मुझे अच्छा लगेगा हेल्प करते हुए, और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें या मुझ तक पहुंचा दें किसी भी माध्यम से, मैं आपके सवाल का जवाब अगले 10 दिन में किसी न किसी वीडियो या किसी आर्टिकल के माध्यम से दूंगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।